एक बहुत पुरानी वीडियो है भाई, वो जो जिस गाड़ी में मैं 10 साल घुमाऊ ना, वो वाली वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने पुराना रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, आज शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो आप देखिए भाई। बहुत थोड़ी सी लंबी है, पर आप देखेंगे उसको डिटेल में, सारी चीज आपको पता लगी मैं कहाँ कहाँ घुमाऊँ और गाड़ी कितनी चलाई है मैंने। XUV 500 आज भाई हम अपनी लकी कार, फेवरेट कार को रिटायरमेंट देने आए हैं। कल इसको सेल कर रहे हैं हम, तो वो सारी चीज़ रिव्यू, खूबियाँ, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ हमने भाई 10 साल बिताए हैं, बहुत ही अच्छी रही, बहुत लकी रही, बहुत कंफर्टेबल, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे आपको। बहुत ही मतलब दिल खुश करने वाली कार मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। अप्रोक्स क्या मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, अभी अगस्त कल स्टार्ट हो जाएगा, 4 मंथ रहते हैं, नहीं तो 10 साल हो जाएंगे इसको, मतलब 9 मंथ और 9 ईयर 8 मंथ हो चुके हैं इसको मुझे चलाते हुए। जिस दिन से आई है मैं इसमें खूब ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैंने लगभग इसमें 17 ट्रिप किए, 17 मतलब मेजर ट्रिप, जो बड़े बड़े जो 1000 प्लस या 700 प्लस के ट्रिप होंगे वो वाले, तो सारी चीज़ और अपना डेली यूज मतलब चलाई है इसको, बहुत अच्छा रहा। तो स्टार्ट करते हैं, कितना इस पर हमने भाई खर्च किया आज तक इसको चलाने के लिए। अप्रोक्स जो किलोमीटर के अंदर जो रीडिंग है इसकी 2,40,000 के आसपास है, आपको दिखाई भी देंगे आपको। और मैंने इसका जो इंजन यूज़ किया होगा, जो मतलब टाइमिंग होती है इसको ऑन रखना, सारी चीज़ें, क्योंकि रात रात भर बहुत सारे ट्रिप पे इसको रात को हमने स्टार्ट करके रखा है भाई, हीटर भी चलाया है जब ज़्यादा वेदर ऐसे थी स्नोफॉल के अंदर, और एसी भी चलाया जब गर्मियों में हम गए हैं कहीं पर, तो पूरी पूरी रात, वो ऐसा भी हुआ कि काफ़ी काफ़ी आवर्स हमने दिन में भी स्टार्ट करके रखा है इसको। कहीं हमने कई बार होटल नहीं लेते थे हम, कोई फ्रेंड्स है साथ में, इसी के अंदर स्टे करना, कुकिंग करना, सब कुछ, कि भाई हमें वो शौक़ है वो सारी चीज़ें, तो वो सारा कैलकुलेट करके मुझे लगता है जो कि मैंने इसके अंदर 16 लाख का डीजल भाई हमने खर्च किया होगा इसमें। और एवरेज मैंने डीजल का जो प्राइस है वो निकाला है, जो रेट है 70 से मैंने कैलकुलेट किया है, 2,50,000 का जो इंजन रनिंग होगी इसकी, क्योंकि खड़े होके जो चली है वो भी मैंने मोटे मोटे उस हिसाब से लगाया है इसको। ऐसे नहीं कि भाई मैंने बोल दिया 3 लाख चला होगा, वो नहीं। हाँ भाई, पूरी पूरी रात खड़ी रहती तो ये लगा लो कि 5-6 आवर्स तो कम से कम एक बार खड़ी होगी, और ये पता नहीं कितनी बार हमने इसको ऐसे यूज़ किया इसके इंजन को, और जो रनिंग है वो बताई थी मैंने आपको। तो 16 लाख का तो हमने डीजल इसमें डलवा चुके हैं हम आज तक। खरीदी थी लगभग कितने की, 13 या 14 लाख की, 10 ईयर बिफोर, तो उससे ज़्यादा का तो इसमें डीजल डला चुके हैं हम। ये चीज़ देख लो आप कितना ज़्यादा, ये चीज़ें आप भाई सोचा करो जब गाड़ी। इसमें डीजल का तो मैंने बता दिया, और मेंटेनेंस का अप्रोक्स जो मुझे लगता है जो इतना तो मैंने स्टार्टिंग से कैलकुलेट नहीं किया था कि भाई कभी मैं आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर करूँ। मुझे मैंने सोचा नहीं था भाई यूट्यूब चैनल भी हम स्टार्ट करेंगे कभी, ऐसा सारा कैलकुलेट करके रखते, नहीं तो अभी जो नई गाड़ी हमने खरीदी XL6 और नेक्सोन, उसका तो मैं पूरा अभी से मेंटेनेंस, डीजल वगैरह सब मतलब हिसाब रखने लग गया हूँ। इसका रखा नहीं, तो फिर भी हमने सोचा जो कि किलोमीटर के हिसाब से, और टायर जितने 2-3-4 टाइम्स इसमें टायर डला चुके हैं, तो वो मुझे लगा कि 7 लाख का इसमें हमने मेंटेनेंस जो लगा होगा कंपनी में कराया है। आजकल तो जब से ये 1.5 लाख के बाद चली है, उसके बाद तो ये बाहर मैंने सारी सर्विसेज लगाई इसकी, फिर भी उस हिसाब से 7 लाख के आसपास, ज़्यादा भी हो सकता है भाई, देखो 50,000 नीचे ऊपर जो भी होगा, ऊपर मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है भाई। अब आपके साथ हम शेयर करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की देखो खूबियाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं। ये तो इंजन है, मतलब कार है, बॉडी मैन्युफैक्चरिंग में, इंजन रनिंग में, और बहुत सारी मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें कमियाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है हम इसके ये कहें भाई हर एक चीज़ सारी चीज़ ठीक ही है इसमें, जो कमियाँ है वो शेयर करते हैं आपके साथ, और जो इसके एडवांटेजेज है वो भी शेयर करते हैं। मैं इसका जो विजिबिलिटी है ना अंदर से जब ड्राइव करने में, वहाँ से बताता हूँ वहाँ से क्या कंफर्ट है, क्या विजिबिलिटी, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि कई बार बोनेट जो मेन फ्रंट होता है बहुत एकदम डाउन होता है, इसका एकदम फ्लैट टाइप का है, बहुत अच्छा ड्राइव रहा पहाड़ों में भी, मेन अपना हाईवेज पे भी, लोकल में भी,
हर एक जगह बहुत ही बढ़िया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आज तक चलाने में। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें भाई, ब्रेक बहुत अच्छे रहे। हाँ, बिफोर 50,000 किलोमीटर की मैं बताऊँ आपको, मतलब 30-40,000 किलोमीटर जब से तो परेशानी कर रही है। कभी कभी लेफ्ट साइड का जो ब्रेक है ना, वो तो आज तक ना महिंद्रा ढूंढ पाई है, ना मैं ढूंढ पाया हूँ, ना कोई लोकल मैकेनिक ढूंढ पाया, वो खुद ही ब्रेक लग जाते हैं लेफ्ट साइड का। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जब जाता हूँ तो वो उस टाइम पे हो नहीं पाती। जो कहते हैं ना डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो ठीक हो जाता है एकदम, वो वाली कहानी है इसके साथ। जैसे ही मैं मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, वो ब्रेक एकदम ओके हो जाते हैं। और इसके साथ मेजर प्रॉब्लम ये है लेफ्ट साइड वाला जो इसका ब्रेक है, जैसे सुबह मैं मॉर्निंग में लेके चलता हूँ ना इसको, विद इन 100 मीटर के अंदर अंदर खुद ही ब्रेक लग जाते हैं इसके। अब बहुत तेज़ साउंड आता है और उस साइड का एकदम स्किट करता है टायर, मतलब आवाज़ ऐसी आती है कि जो ब्रेक पैडल है वो स्किट कर रहे हैं, टायर तो नहीं कर पाता, स्पीड बहुत कम होती है और बहुत तेज़ साउंड आता है उसका। और वो प्रॉब्लम आज तक सॉर्ट आउट हो नहीं पाई है ब्रेकिंग में। क्योंकि हाँ, जब तक ये चली थी 1.5 से 2 लाख किलोमीटर बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा पिकअप था, पिकअप अब भी बेटर है, पर अब काफ़ी कम हो चुका है इसका पहले के मुकाबले, पर ब्रेक भी कम हो चुके हैं, पर जिसका महिंद्रा भी कुछ नहीं कर पाई है। और एक और चीज़ बताऊं जो कि बहुत ही, मैं आपको कहूँ ना, बकवास लगी मुझे इस गाड़ी की, ये जो पीछे के शॉकर है दोनों, मैंने पता नहीं कितने टाइम्स मैंने इनको चेंज करा दिया, वारंटी में भी, अंडर वारंटी जब ये थी उसके बाद भी, पेड करके भी, पेमेंट करके भी, सारी चीज़ें मैं कई बार करा चुका हूँ। इसका शॉकर के अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा गड्ढा टाइप का ऐसा कुछ आता है ना बड़ा, कोई ऐसा जब सड़क ख़राब होती, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत तेज़ साउंड, और वो भी इरीटेटिंग, इतना तेज़ इरीटेटिंग साउंड आता है, पटाक पटाक करके ऐसा आवाज़ आती है जैसे कोई दिवाली पे पटाखे हम चलाते हैं ना उस तरह का। और वो चीज़ भी महिंद्रा आज तक नहीं ढूंढ पाई है, ये मैं आपको बताता हूँ। और उस चीज़ का फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने चलाते रहे, बोले मैंने 2 बार तो इसका टायर रिप्लेस कराया कि आगे का पीछे, फिर पुराने 2 बार तो मैंने ऐसे किया, 2 टायर तो ऐसे किए थे कि न्यू खरीदे थे टायर और पुराने वाले रख दिए, बोले जी आपके टायर ख़राब हो चुके हैं उसकी वजह से टायर का साउंड है। रिसेंटली मैंने टायर लिए, वो डलवाए, उसके बाद भी वो सेम सिचुएशन वही रही, आज तक भी वही है, वो दूर हुई नहीं। फिर ठीक है भाई, गाड़ी न्यू गाड़ी लेना एक छोटी सी बात पे तो इतना कहाँ से भाई करें, तो भाई आज तक वो चीज़ें चलती आ रही हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, जो इसका बॉडी रोल जैसे स्कॉर्पियो में है, क्योंकि इसकी भी भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है भाई, यहाँ से भी बहुत ऊंची गाड़ी है ये। देखिए आप, मैं एग्जैक्ट 6 फीट का हूँ और ये भी गाड़ी मेरे बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हो, पर इसमें बॉडी रोल ना के बराबर है, स्कॉर्पियो की तरह नहीं है। जो नई स्कॉर्पियो आई है उसी से कंपेयर कर सकते हो, उससे भी बेटर इसका है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती हाईवेज़ पे। मैंने इसको आपको बताता हूँ, आज तक मैंने ड्राइव की है, सिर्फ मैंने ड्राइव की है, मेरे भाई बड़े भाई साहब है, ब्रदर, वो भी ड्राइव करते हैं, फादर हैं वो भी ड्राइव करते हैं, और आजकल तो रिलायंस भी ड्राइव करने लग गया। अब इसको इतनी भाई परमिशन नहीं दी, इतनी टॉप स्पीड पे चलाए, मैंने इसको यमुना एक्सप्रेसवे पे चलाया था 205 की स्पीड पे, 205 तो कि भाई उस टाइम पे मैंने इसका एसी ऑफ ऑन गियर 5 से 6 पे शिफ्ट किया, 6 से 5 पे शिफ्ट किया, मतलब काफ़ी टाइम, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का आपको पता ही है कितना भी उसको वहाँ पे कुछ ऐसा उस टाइम पे तो हुआ भी नहीं करता था। एक्सप्रोक्स हम गए होंगे 2016 या 15 के आसपास, तब तो वहाँ पे इतना कोई भीड़ भी नहीं थी शायद, और हो सकता है 17 के आसपास भी गए, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। हम 4-5 दोस्त जा रहे थे अपने फ्रेंड के कोई रिलेटिव के घर पे, और पर उससे ऊपर ये गाड़ी नहीं गई जो उसकी टॉप स्पीड थी। एसी भी ऑन किया मैंने, इसका ऑफ भी किया बहुत बार, सब कुछ ट्राई कर लिया था, बार बार हमने गाड़ी रोकी, चलाई, बहुत बार सब कुछ ट्राई किया, टॉप 205 स्पीड है इसकी। भाई मैं आपके साथ जो इसकी कमियां है वो शेयर कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ऐसा है सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जो ORVM है ना, इसको मैं बहुत बार रिपेयर करा चुका था, बहुत मतलब नई जब ये थी, लगभग 70-80,000 किलोमीटर चली होगी जब ये अंडर वारंटी ही थी शायद, ये इसके अंदर ये है ना जाम हो जाता है, और आज भी ये जाम है, ये चलता नहीं है, मतलब इसको मैनुअली करना पड़ता है, कभी कभी इसकी मर्जी है, कभी इसमें ऑयलिंग वगैरह करा दो तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखो एक और चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ इसकी, ये अपना क्रूज कंट्रोल, बिल्कुल नई गाड़ी से बताऊँ वो भी, उसमें तो ये भी नहीं कहूँगा मैं ये 50,000 की चली थी, 1 लाख किलोमीटर चली थी, जब ये बिल्कुल नई गाड़ी थी उसी टाइम पे, जब
हाईवे पे इसको मैं चलाता था बार बार, क्योंकि क्रूज को हम ऑन ऑफ करते रहते हैं, रीसेट करते रहते हैं। इसको अगर हम 7-8 टाइम कंटिन्यू रीसेट कर देंगे ना, कि बार बार ब्रेक कर रहे हैं उसके बाद रीसेट कर रहे हैं, ये इसका क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता था। ये कंपनी में भी शेयर करा था पर वो उस चीज़ को भी नहीं पकड़ पाए वो क्या कमी थी। और इतना ज़्यादा भाई हाईवे पे जब रन करते हैं तो चलो ठीक बात है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हमने, क्योंकि पसंद बहुत ज़्यादा गाड़ी आज भी पसंद है, कोई बात नहीं भाई, चल रहा था चल ही रहा था। पर 7-8 टाइम के बाद इसको हम क्रूज़ कंट्रोल को रीसेट करते हैं तो काम ही नहीं करता है उसको। हाँ, गाड़ी को बिल्कुल ऑफ करना पड़ेगा, गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी और उसको इग्निशन रीस्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद बिल्कुल चलने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी एक मेजर प्रॉब्लम थी इसके अंदर, वो भी है भी। देखो ये इसकी गियर नॉब है, ये टूट चुकी है काफ़ी दिनों पहले, लगभग ये 2.5 साल पहले टूट गई थी, ये लॉकडाउन से पहले ये तो इसका ये ऐसा दिख रहा है, पर मैंने ये भी नहीं डलवाया क्योंकि मैंने अभी इसको सेल करना है। और ये इसका हैंड ब्रेक, ये मेरी गाड़ी का नहीं, मेरे 2-3 फ्रेंड के पास गाड़ी है उनका भी सेम सिचुएशन है। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि सबके हैंड ब्रेक का ये जो कवर है ये टूट जाता है। अब तो ये बड़ा ही मजबूरी से काम चलाना पड़ रहा है, इसका कोई मिल भी नहीं रहा, वो कह रहे मायापुरी जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। मैंने सोचा भाई अब सेल करना है तो मैंने देखना ही नहीं उस चीज़ को, ठीक है भाई। और ये चीज़ देखो, इसका कवर हम चेंज करा चुके हैं बहुत बार, ये दोबारा फट जाता है। फिर ये आफ्टर मार्केट का वर्क कराया हुआ है सारा, ये देख लो इसकी क्वालिटी, ये चीज़ आप देख सकते हो, ये कवर भी चेंज हो चुका है। और ये जो इसका जो भी भाई इन्हें बनाया हुआ है जो भी लुक के लिए है जो भी, देखो ऐसा ही है काफ़ी सालों से, तो ये क्वालिटी भाई महिंद्रा ने शायद अब नई नई गाड़ी में इम्प्रूव की होगी, हो सकता है, पर हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम थी भाई। आज मैं इतनी प्रॉब्लम जो मेरे साथ थी शेयर करनी चाहिए, बार बार वही कर रहा हूँ, याद आती जा रही है। इसके अंदर ना एक और प्रॉब्लम है जो हर एक XUV 500 में है, 500 के अंदर ना चूहा घुस जाता है और चूहे की हरदम स्मेल रही है जब से मैंने गाड़ी खरीदी ना आज तक। बहुत चूहे तो पकड़ पकड़ के हमने फेंके, मतलब वो रेट का जो पकड़ने का पिंजरा होता है उसमें, और जो वो चिपकाने वाले होते हैं क्या बोलते हैं उसको, सॉरी वो पता नहीं मुझे, जो भी है वो उसके अंदर यहाँ पे हमने भाई, और कई बार तो ऐसा जो दवाइयाँ हम रखते थे ना अंदर जाके घुस जाता था डैशबोर्ड के अंदर या कहीं पे ग्लव बॉक्स के अंदर ना या सीट के अंदर, हफ्तों के अंदर बड़ी स्मेल में हमने गाड़ी चलाई है। और मेरे साथ नहीं, मेरे फ्रेंड के जितने पास थे ना सबके अंदर गाड़ी के अंदर ना चूहा घुसता ही घुसता था, पता नहीं कहाँ से घुसता है इसमें। और इस चीज़ का भी महिंद्रा ने कोई अल्टरनेट मतलब कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला नहीं। देखो आपको दिखा देता हूँ मैं अपनी गाड़ी, हम चला चुके हैं 2,38,085 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं विद प्रूफ, ये आप सोचो कि भाई हम फेक बोल रहे हैं जो भी है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। और कंडीशन आप देख ही रहे हो, इसके स्टेयरिंग की देख लो आप और इसके सीट कवर की देख लो आप। पर एक बात है ना, गाड़ी सिर्फ मैं महिंद्रा को ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, मेरा जो ड्राइविंग का कम्फर्ट है, जो मेरा स्टाइल है ना रफ एंड टफ है, कोई टेंशन नहीं, कोई गड्ढा आ रहा है, कोई रास्ता ख़राब है, कोई चीज़ की जाए सस्पेंशन ख़राब हो जाए, इंजन में प्रॉब्लम आ जाए, गेयर बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाए, खैर आज तक आई नहीं है। गेयर बॉक्स बहुत अच्छा चला है इसका, क्लच बहुत अच्छा है, पावर बहुत अच्छी है, इंजन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो छोटी छोटी कमियाँ थी, देखो क्योंकि फीचर्स इतने ज़्यादा दिए थे महिंद्रा ने इसमें, तो कमियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए इस बजट में जब उस टाइम पर निकाली थी, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ ऐसी बात नहीं है, पर कमियाँ भी शेयर करनी चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था, मेरा ड्राइविंग स्टाइल इस तरह का है कि रफ टफ, मुझे उस चीज़ से मतलब परवाह नहीं है कि भाई गाड़ी ख़राब हो जाए, जो हो जाए कोई बात नहीं, कोई सामान गाड़ी में रखा है, कई बार बड़े बड़े हमने इसको मालगाड़ी की तरह भी मतलब वैसे कॉमर्शियल टाइप से भी यूज़ किया है, कई बार जाना होता था भाई बड़ा बहुत सामान है, भाई साइकिल है हमारी बच्चों के लिए इधर उधर रिपेयर कराना है तो वो भी रख दिया, तो उस वजह से सीट कवर ख़राब हो सकते हैं, पर इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं होने चाहिए थे। पर रफ टफ भी मैंने बहुत चलाया इसको, ले लद्दाख, पता नहीं मैं एक और वीडियो आपके साथ सेपरेट बनाऊंगा कि मैंने इसके साथ कितनी सारी ट्रिप की है भाई। और पूरा इसकी खास बात है देखो, 700 में भी और स्कॉर्पियो में भी इस तरह का बेड नहीं बनता है जो इसकी गाड़ी के अंदर बनता है ना, आप कह आपको बना के दिखा देता हूँ अभी। वो 6 फीट का बंदा इसके अंदर कम्फर्टेबली 2 बंदे सो सकते हैं बहुत इजीली, और 3 बच्चे सो सकते हैं, क्यों ये नीलांश बता देगा। हम तो किसी भी ट्रिप पे गए हमने लिटा दिए पूरे बैठ के जाए, कैसे भी जाए हम तो बेड ही बना के जाते हैं हमेशा से भाई, ये हरदम सोते हुए जाते हैं, ड्राइविंग के लिए हम है ही, और ये मस्ती करते हैं बैठ के गेम खेलते हैं पीछे और सोते चेस वेस ले जाते हैं आराम से कम्फर्टेबली, इस पे बिस्तर लगा देते हैं हम,
और वेदर बहुत ठंडा हो तो भाई हम अपना थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह लेके जाते हैं, बहुत मजे आते हैं भाई इसके अंदर। ये बड़ी खास बात रही इसकी आज तक। हम भी अभी रिसेंटली हम गए थे, अभी मैं और अमित जी, आपने देखा होगा वो वीडियो, नहीं देखी तो देख लीजिए। हमें लाहौल स्पीति पूरा कवर करके आए थे, लाहौल भी गए थे, मूर्ति चा वहाँ पे विलेज है वहाँ पे गए थे, हमता पास गए थे सारा, और इसी गाड़ी के अंदर ही रहे थे। विद जनरेटर हम गए थे, जनरेटर सेट किया था हमने ऊपर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सारे लेके गए थे हम, सब कुछ कुकिंग के लिए सब कुछ। तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया था इस गाड़ी ने, हमारा बहुत बड़ा साथ दिया उस टाइम पे इसने। वो फर्स्ट टाइम इसके हमने टेस्टिंग की थी इसकी, कि उस वेदर में और उस स्नो के अंदर कैसा हम चल सकते हैं इसमें। भाई अब हम एक डिवाइस लेके आए हैं, इससे हम थोड़े सा मेजरमेंट करने का ट्राई करेंगे कि 10 साल चलने के बाद अब हम ट्राई कर रहे हैं कि अंदर से बाहर से ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी हाइट कितनी है, वो सारी चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले इसका चेक करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इसकी क्या है। आइए, मीटर, यानी ये 195 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि क्लेम करती है महिंद्रा 200 mm 200 mm। तो हो सकता है अभी बच्चे भी बैठे हैं, 5 mm का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है उसमें और इसमें, और गाड़ी इतनी चल चुकी है, हो सकता है उससे भी कोई थोड़ा सा डिफरेंस, और हवा भी कम है इस वाले टायर में, दिखाना निकलेंस ये देखो, उस वजह से भी 5 mm का हो सकता है। यानी एग्जैक्ट इस साइड से हमने मेजर किया इसको, अब कंपनी कहाँ से मेजर करती है पता नहीं, हमने इसके नीचे से अभी जैसा दिखाया यहाँ से मेजर किया इसको। देखो अब हम इसका थोड़ा मेजरमेंट करेंगे, इसका जो ड्राइविंग सीट है ना, इससे हमें हेडरूम कितना मिलता है, बिल्कुल यहाँ से जो कहते हैं, क्योंकि न्यू स्कॉर्पियो जो आई है ना वो फॉर्च्यूनर से भी उसकी सीट की हाइट ज़्यादा है, ये कहना है उनका, महिंद्रा वालों का। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, वैसे कभी स्कॉर्पियो आएगी या शोरूम में जाएंगे जब, वो भी चेक कर लेंगे। जीरो पॉइंट 861 मीटर, तो यानी वो हुआ 861 mm इसकी यहाँ से। बाकी भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट का भी होगा, नीचे ऊपर करके थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, कुछ mm का ही। अब हम चेक कर रहे हैं इसका लेग रूम, जो कि बीच वाली सीट से मैंने इसको सेट किया हुआ है, अपनी वाली जो एडजस्ट किया हुआ है अपनी सीट को, जो मेरी 6 फीट की हाइट है उसके अकॉर्डिंग। और अब चेक करते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ भाई हमें पूरा लेग रूम मिलता है, पूरा बढ़िया कंफर्टेबल हम इस गाड़ी में एंजॉय कर सकते हैं अपना ड्राइविंग में और सीटिंग में, पीछे वाली सीट। देखो हमने अब कैलकुलेट किया, जो कि हम अपने पैर रखते हैं तो थोड़ी सी गंदी हो रखी है, वो थोड़ा नेगलेक्ट करना उस चीज़ को। हम जो अपना यहाँ से इससे और अपना ये रूफ है जो इसकी छत है पूरा, ये है 1158 mm। हेडरूम पूरा अच्छा मिलता है इसमें, देखिए आप, अभी पूरा गैप है ना, क्या क्या करना है बताइए, तू बता। अब हम इसमें करने वाले हैं, हम फर्स्ट गियर लगाएंगे बिना रेस दे, और फिर क्लच पूरा छोड़ देंगे, और फिर सेकंड गियर लगाएंगे, देखते हैं ये कहाँ तक जा पाती है बिना रेस दे। तो मैंने देखो एक्सीलेटर पे तो पैर रखा नहीं है, बिल्कुल दूर है, और क्लच में छोड़ता हूँ, तो बहुत दूर तक तो कहाँ तक जाएगी, टॉप स्पीड क्या रहेगी इसकी, 10 पे भी नहीं जा रही है। पर ये है कि इसका इंजन वीक हो चुका है, हम उसको चेक बिल्कुल करना चाहेंगे। अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसमें इंजन में से बहुत तेज़ साउंड आ रहा था, मैंने सोचा पता नहीं क्या ख़राब हो गया, तो मैंने इंजन ऑयल इसका चेक कराया, सर्विस कराया, काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब काफ़ी दिन का 12,000 किलोमीटर चली होगी मैक्सिमम, और इसके अंदर निकला 1.5 लीटर इंजन ऑयल, मतलब इसका पूरा इंजन ऑयल गायब हो चुका है, कोई लीकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब इंजन वीक हो चुका है इसका। ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, इसका 238,000 किलोमीटर पे, जो कहते हैं कि महिंद्रा का पावरफुल इंजन होता ही होता है, पता नहीं किस रीजन से हुआ है वो मुझे नहीं पता। भाई मैं काफ़ी टाइम तक इसको खड़े होके चलाता था, जो कि भाई वहाँ पे हम बाहर घूमने जाते थे, तब उस वजह से एक जगह खड़ा रहना पूरी पूरी रात, उस वजह से हुआ कि प्रॉपर मैं सर्विसिंग वगैरह टाइमिंग में कराई, ऐसी बात नहीं है। देखो फर्स्ट गियर पे अभी चली रही है, तो अब एक्सीलेटर पे अब देखो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, अब सेकंड गियर हम लगाते हैं इसमें, तो अब इजीली चली रही है, बहुत तेज़ चल चुकी है, 20+ पे गई थी, अब थोड़ा डाउन आ गई स्पीड। अब हम थर्ड गियर लगाते हैं विदाउट एक्सीलेटर यूज़ करें, थर्ड गियर पे थोड़ा सा लोड इस पे लग रहा है, पर हाँ ये जाएगी भाई अब 40 के, हाँ 30 पे जाके अब
30 की स्पीड गई थी टॉप इसमें थर्ड गियर में, तो इंजन तो ठीक काम कर रहा है, पता नहीं इंजन ऑयल कहाँ पर गायब हो गया ये समझ में नहीं आया मुझे। देखो फोर्थ गियर पे है विदाउट एक्सीलेटर, अब ये 40 तक जाएगी कोई, मेरे ख्याल से 10x4 इन्होंने किया हुआ है ऐसा लग रहा है, 40 पे टॉप जाती है फिर थोड़ा सा डाउन आ जाती है। भाई फिफ्थ गियर लगाते हैं अब इसका, अब थोड़ा लोड पड़ गया भाई इंजन पे, थोड़ा धक 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 आवाज आ रही है अब इसमें, इसका दिल धक धक कर रहा है पर फिर भी कुल मिला के चल पड़ी है इतनी पुरानी होने के बाद भी। वह हमारे डिजायर और नेक्सोन तो शायद नहीं चल पाती, वो तो अभी बिल्कुल नहीं है तब भी नहीं चल पाती, मतलब नई तो उतनी तो नहीं है पर फिर भी। अब सिक्स्थ गियर और लगा के देखेंगे जो इसका टॉप गियर है, सिक्स्थ गियर लगाया अब भाई इस पे लोड हो चुका है पूरा, अब ये वो स्लो स्लो जा रही है पर ऐसा बंद तो नहीं हुई है, अब भी चल जाएगी, मतलब ये जाएगी अब 60 तक वही कुल मिला के। भाई ये जो गियर शिफ्टिंग वाली बार थी ना ये नीलांश ने कराई है, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, ये कह रहा है टॉर्क चेक कर रहा है इसकी पावर क्या है मतलब विदाउट एक्सीलेटर यूज करके, तो ये ट्राई इसका था क्योंकि ये चलान मैंने इसको दी नहीं गाड़ी, पर मैंने सारा ट्राई करके आपको दिखा दिया, बाकी ये चीज़ क्या टेक्निकली क्या चीज़ थी आप कमेंट करके मुझे बताना, थोड़ा समझ में आएगा। नीलांश ने वैसे एक्सप्लेन किया मुझे थोड़ा बहुत कि टॉर्क किस तरह से काम करता है, उस पर भी थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी हमें और अब हम करेंगे इसका टेस्ट खड़े होके, फर्स्ट गियर लगाएंगे क्या ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ कहाँ पर जाके मतलब ये गाड़ी रुक जाती है, कौन से गियर पे गाड़ी बिल्कुल खड़े होके नहीं चल पाएगी, वो 0-2 जो भी गियर तक वो चेक करेंगे वो। भाई अब जहाँ पर हम ये सारी टेस्टिंग कर रहे थे ना लगभग हमें 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं वहाँ पर, गाड़ी को इधर उधर ड्राइव कर रहे हैं बार बार टर्न कर करके, हर एक भाई थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग टाइप का हमने यूज़ किया जितना मतलब इसकी कैपेबिलिटी है, वो वहाँ के एक दो लोग आ गए भैया क्या करना चाह रहे हो इतना देर हो गई है गाड़ी को परेशान कर दिया आपने, हमने कहा भैया इसकी टेस्टिंग चल रही है फाइनल जो कि कल इसको सेल कर देंगे हम, तो हमने भाई चेक करनी है सारी चीज़ें, तो वहाँ के लोग भी सब आके मतलब देखने लगे भाई क्या कर रहे हो आप। अब नीलांश से कह रहा है कि एक टेस्ट और कर दो चाचू लास्ट इस गाड़ी के साथ 0-100, मैं कह रहा हूँ इसका इंजन भाई ख़राब हो चुका है और ख़राब करके बिल्कुल किसी को देनी है क्या पर भाई इसकी फरमाइश है तो ये भी पूरी कर देते हैं 0-100 का और एक चेक करते कितने सेकंड में अटेम्प्ट करती है। तो अब हम करने वाले हैं इसकी 0-100, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये देख लो आप बहुत सारे भाई आगे काफ़ी रश है उधर से, आगे अक्षु है ना हमें हल्दीराम लेके जा रही है, कह रही है भाई हल्दीराम में ही खाना खिलाओ इतना जो टाइम वेस्ट करा है अक्षु का, तो चलो भाई वो भी मानना पड़ेगा आप सबके सब बच्चों की बात, भाई मैं तो मान लेता हूँ आप मेरी एक बात मान लो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा और लाइक और कमेंट कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, एसी ऑफ है और हम चार बंदे बैठे हैं, दो छोटे मतलब मेरे भाई इतना ज्यादा वेट नहीं है तीन छोटे एक बड़ा। हाँ जी करें चलो स्टार्ट। यस 1-2-3 गो। चल रही थी पता नहीं कितने सेकंड में पहुंची ये नहीं पता, पर एक और अटेम्प्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद जब हल्दीराम से भाई कुछ खिला देते हैं बच्चों को, पर अप्रोक्स 17 सेकंड टोटल हुआ है, लगभग 12 सेकंड के आसपास शायद लगे होंगे। हाँ 12 सेकंड के आसपास ही थी। हाँ, ऐसे ही मुझे अंदाजा है, वो हम देख के बता देंगे, सामने गाड़ी आ गई थी नहीं तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे कैलकुलेट कर लेते, पर दोबारा एक और अटेम्प्ट करेंगे कर लेंगे आफ्टर सम टाइम आफ्टर ब्रेक। भाई हम बातों के चक्कर में हम सब बैठ के बात कर रहे थे गाड़ी के बारे में और हम गलत रास्ते पे आ गए, बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे आ गए हम, अब नया हाईवे बनाया उस पे आ गए हम। हाँ पता नहीं है कौन सा नया हाईवे है वहाँ पे आ गए,
तो ये देखो कितना खाली रोड है, बस यहाँ पे थोड़ी गाय है, तो हम यहाँ पे करेंगे 0 to 100। अच्छा मौका मिल गया हमें। गलत जगह है पर सही रास्ता पकड़ा हमने 0 to 100 करने के। ये सही बोल रहा है, गलत जगह है, हम गलत रास्ते पे आ गए पर सही रास्ता पकड़ा 0 to 100 करने के लिए। देखते देखते अंधेरा होने वाला है और अब हम किसी तरह मेहनत से रोड ढूंढते हुए लाए हैं। चलो ट्राई करते 0 to 100 फिर से। 1 गाड़ी जा रही है, ये भी 0 to 100 ही कर रहे हैं, ये भी 0 to 100 ही कर रहे हैं, नहीं आएगा वहां तक पहुंचेगी ना जब तक। चल 1 2 3 गो। एसी बंद नहीं किया था तो 14 सेकंड लग गई, एसी चल रहा है तो 2 सेकंड का शायद डिफरेंस आया है एसी ऑन में और ऑफ में। हाँ यानी अप्रोक्स भाई कंक्लूजन ये है कि क्यों पुरानी गाड़ी है भाई, इंजन वैसे वीक हो चुका है, और ज़्यादा हम ट्राई नहीं करेंगे, और प्रॉब्लम होगी तो भाई कल इसको सेल भी करना है, नहीं ये 1 रुपया बिना दे के जाएगी तो इसलिए तो कंक्लूजन ये है कि 10 सेकंड तो मिनिमम लगेगी इसका नया इंजन होता तब भी, मेरा ये अंदाजा है 10 सेकंड तो 0 to 100 में लगेगी। हाँ जी, और अभी लग रही 12 to 14 किलोमीटर वो सेकंड्स। हल्दीराम में आए थे डिनर करने के लिए, इतना ज़्यादा क्राउड था अभी आपको गाड़ी देख के पता लग जाएगा। यहाँ पे वैसे बहुत कम होता है पर संडे था तो होना ही था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और अभी कुछ हो रहे हैं, हाँ तो मैं क्या बता, बहुत ज़्यादा क्राउड है और 8:30 हो चुके हैं, मतलब इधर इतना रहता नहीं है इस वाले हल्दीराम पे, बट आज बहुत ज़्यादा है, संडे है इसलिए होना ही था ये तो। Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big...